मैं तो कुछ ज्यादा नहीं बोलता, हर बात मैं तो 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 पर तो चलिए तो भैया तो मत तो ये तो तो बहुत अनोइंग नहीं लगता है? बहुत से लोग मुझसे बोल रहे हैं कि वो भी काफी टाइम से ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो कुछ चीजें हैं जो आपको कंसिडर कर लेनी चाहिए, वो मैं आपको जिम में बताऊंगा। तो जब आप ब्लॉगिंग करते हो तो आप दुनिया में किसी को टोपी नहीं करा सकते। मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मौसी की तबीयत ठीक नहीं है, गाड़ी घर पर नहीं है, नहीं भाई फंस जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि आप तो ये ब्लॉग कर रहे हो, पर ये ब्लॉग यहाँ जिंदगी भर रहेगा, तो कभी ना कभी ये आपके बच्चे भी देखेंगे, तो फिर आप उनसे ये नहीं बोल सकते कि ये शरीफों का काम नहीं है, प्रॉब्लम है थोड़ी सी। पॉइंट नंबर टू, सबसेक्शन टू, बच्चे तो ठीक हैं, उनकी मम्मी को क्या बताएंगे आप? लाइफ 100%, बाइफ 100%, सीन कैसे थे, गुलाबी नोट, सारी जिंदगी भर ताने पड़ेंगे। कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, आपको कैमरा पकड़ने का टाइम नहीं मिलता, तो उस दिन ब्लॉग बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। पर अगर ये चीज़ें आपके लिए इशू नहीं है तो आप फौरन ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दीजिए। आज मैं आपको थोड़ा लो लग रहा होगा क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई, कल रात को मैं सोया नहीं और आज दिन में भी टाइम नहीं मिला तो रेस्ट नहीं कर पाया। लेकिन अभी आपका भाई इरफान जुनेजो की वीडियो देखेगा और चार्ज हो जाएगा। चाहे कितना भी चार्ज हो जाऊं, अगर गाड़ी 40 से ऊपर जाएगी तो चालान हो जाएगा भाई।